मानव उत्थान सेवा समिति के तत्वावधान में 2 दिवसीय श्रीराम कथा कार्यक्रम हुआ संपन्न। मानव उत्थान सेवा समिति के तत्वावधान में 2 दिवसीय श्रीराम कथा सत्संग कार्यक्रम ग्राम नेगमा में संपन्न हुआ, जिसमें प्रत्येक गांव से प्रेमी भक्तजनों ने सत्संग श्रवण किया। परम पूज्य सद्गुरु देव श्री सतपाल जी महाराज की शिष्या महात्मा अम्बालिका बाई जी, महात्मा धर्मावती बाई जी और महात्मा सुनिधि बाई जी द्वारा सत्संग कार्यक्रम दोपहर 1 बजे से प्रारंभ होकर 5 बजे समापन हुआ। महात्मा अम्बालिका बाई जी ने बताया कि आध्यात्मिक ज्ञान के बिना सारी पूजा पाठ सभी ज्ञान अधूरे हैं। जब भगवान राम, भगवान कृष्ण और शिव को भी गुरु दरबार में जाकर सेवा करनी पड़ी, तो हमें भी गुरु दरबार में सत्संग एवं सेवा करनी पड़ेगी, तभी जाकर हम उस वास्तविक नाम को जान सकते हैं। महात्मा धर्मावती बाई जी ने बताया कि सत्संग से ही मन शांत होता है, मन को ईश्वर में जोड़ना ही सत्य भजन है। मानव सेवा दल का प्रशिक्षण शिविर भी लगाया गया, जिसमें ग्वालियर से पधारे मानव सेवा दल के प्रांतपाल नंदकिशोर शर्मा जी एवं उपरांतपाल जितेंद्र खत्री एवं संयोजक रघुवीर सिंह यादव प्रशिक्षण में सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने मार्ग प्रशस्त किया एवं जिला प्रमुख लक्ष्मीनारायण ओझा ने पधारे हुए सभी भक्तों का आभार व्यक्त किया। ज्ञान दीक्षा के लिए टाइम कल रखा जाएगा। अगर आपके मन में ललक है, अगर आपके मन में जिज्ञासा है, अगर आपके मन में भावना है, तो आप उस परमात्मा के नाम को और परमात्मा के स्वरूप को अपने हृदय में जान सकते हैं। वो जानने की चीज है। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, जानेंगे कैसे, तो रामायण ने बताया। कौन जनाएगा? तो रामायण कह रही है कि जो जानत देहु देही।